आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेड फोर्ट बिनाले आर्ट एंड डिजाइन आर्ट एग्जीबिशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट आपने देखा तो उम्मीद है आपको वो बहुत पसंद आई होगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये जो अब आप वीडियो देखेंगे ये सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, के अंदर भी मैं आपको जो बाकी चीज़ें बच गई हैं सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो A1 और A2 वाला जो आपको एग्जीबिशन बिनाले का वहाँ पर वो बिल्डिंग दिखा दिया, तो अभी मैं जा रहा हूँ तीसरी बिल्डिंग की तरफ, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा दूंगा। तो फ्रेंड, 50 रुपये की टिकट है यहाँ पे और जो म्यूजियम्स हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। और उसके साथ साथ जो है 50 रुपये में आप यहाँ पर जो मोन्यूमेंट है हिस्टोरिकल वो भी घूम सकते हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो बना हुआ दीवाने आम, और उधर बना हुआ आपको दिख जाएगा नौबत खाना, और सामने जो है उस साइड जाएंगे तो आपको जो दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद वगैरह भी साथ में देखने के लिए मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तीसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर हमें कौन कौन सी आर्ट देखने के लिए मिलेगी तो वो भी एक बार हम देख लेंगे। तो वहाँ पर चलते हैं। तो जो दो म्यूजियम्स हैं वहाँ पर वो तो बिल्कुल पास में बने हुए थे, जो तीसरी बिल्डिंग है वो थोड़ी यहाँ से दूर है, तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। आपको दिल्ली घुमाने के लिए मैं दिल्ली की जगहों पर जा जाकर ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए दिल्ली की। काफ़ी दूर से ऐसे चलते चलते आए हैं, दीवाने आम की तरफ से बिल्कुल सीधा सीधा आए हैं। दो जो वहाँ पर म्यूजियम बने हुए थे वहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा आपको आना है। तो काफ़ी दूर बिल्डिंग ये वाली बनी हुई है, तो थोड़ा आपको पैदल चलना पड़ सकता है। आर्ट दिख रही है, यही बिल्डिंग हो सकती है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये निःशुल्क है, फ्री एंट्री है, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। ये तीसरा म्यूज़ियम सामने है, तो यहाँ से हम अंदर चलते हैं। और बैग वगैरह आप यहाँ जमा कर सकते हैं, अपना पानी की बोतल बैग जो है, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। म्यूज़ियम के बाहर ही फ्रेंड्स ये आपको एक ऐसी आर्ट दिख जाएगी, ये लकड़ी से कुछ बनाया हुआ है, यहाँ संयुक्त छत के रूप में ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, एंट्री गेट भी कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखिए, ये पूरा बैम्बू जो होता है ना बाँस, उससे बनाया हुआ है। तो यहाँ से और आगे चलते हैं अंदर, यहाँ से हमारी एंट्री है, तो चलते हैं अंदर अभी। तो फ्रेंड्स, ये हमने अंदर एंट्री कर ली, और अंदर एंट्री करते ही आपको एक ये सामने वे दिख जाएगा, एक यहाँ खूबसूरत सी आपको लैंप्स दिख जाएंगे लटके हुए काफ़ी बड़े बड़े। और ये देखिए, ये यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा एक पेड़ दिख जाएगा आपको बना हुआ, जिसके अंदर लाइट्स जली हुई है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बना हुआ है, ये देखिए दूर तक है, कितनी दूर तक ये बना हुआ है। ये शायद हो सकता पेपर का यूज़ करके बनाया हुआ है, नहीं फ्रेंड्स पेपर नहीं है, कुछ और है, प्लास्टिक टाइप। और ये देखिए नीचे वाइट कलर के जो स्टोन लगाए हुए हैं, और इसी के ऊपर ये खड़ा हुआ है पूरा ऐसे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा आपको देखने के लिए मिलेगा, ये बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। ये सामने मिरर लगे हुए हैं, ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर इनके साथ ना अपनी सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, बहुत सुंदर है फ्रेंड्स ये यहाँ पर। ये देखिए ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तीसरे वाले बिल्डिंग के अंदर जब आप आएंगे तो आपको ये वहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हम इधर आ गए हैं, और ये देखिए इधर भी काफ़ी यूनिक सी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आर्ट्स। ये लिखा हुआ है नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली का यहाँ पर मॉडल दिखा हुआ है, ये शायद बैक साइड है। और इधर चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको कई प्रकार के मॉडल देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भी एक मॉडल ये दिख रहा है, ये कौन सा देखते हैं, ये बिहार म्यूज़ियम पटना, ये लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये बिहार का म्यूज़ियम दिखाया हुआ है यहाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे कुछ टांगे हुए हैं यहाँ पर कपड़े ऐसे लाइन से, ऊपर उसके अंदर लाइट जल रही है, और नीचे कुछ यहाँ पर शेप्स बन रही है। देखिए ये कोई शेप्स बन रही है, क्या बना हुआ है मुझे दिख नहीं रहा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। ये देखिए काफ़ी यूनिक यूनिक चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए लोटस टेंपल बनाया हुआ है, उसका यहाँ पे डिज़ाइन है, कैसे वो बना था सारा उसका जो है, यहाँ पर अंदर का नक्शा बना करके भी दिखाया हुआ है, जिसके ऊपर टाइल्स कैसे लगाई गई, कितनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। ये चेयर बनाई हुई है, और ये झूला भी बनाया हुआ है, ये देखिए ये रस्सियों का यूज़ करके बनाया हुआ है, काफ़ी कलरफुल इसके अंदर जो है कपड़े की रस्सियाँ यूज़ की हुई हैं। ये देखिए, और ये ऊपर भी देखिए, ये कुछ बैंगल्स से बनाया हुआ है, जो कड़े होते हैं ना गर्ल्स के, ये उससे बनाया हुआ है।
ये लिखा हुआ है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद का, ये यहाँ मॉडल बना के दिखाया होगा। ये देखिए ये मॉडल काफ़ी यूनिक सी बिल्डिंग है। ये भी यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर हम घूम रहे हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है बिनाले 23 विस माया B4 ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये हम घूम रहे हैं फ्रेंड। जो जो अभी आप चीज़ें देख रहे हैं वो सारी इस फ्लोर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बाकी ऊपर भी यहाँ से रास्ता जा रहा है, ऊपर भी बहुत चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। ऊपर भी चलते हैं एक बार, तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। ऊपर भी कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर जो खिड़की है काफ़ी अच्छे से यहाँ डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है वाला यहाँ पे। ये देखिए पूरी दीवार पे यहाँ पे आर्ट की हुई है। ये B4 फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम आ गए। सामने लिखा हुआ है भारत, ब्यूटीफुल सी आपको ये यहाँ पर वॉल देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप अपनी सेल्फी क्लिक करवा सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है भारत। ये वाली बिल्डिंग पुराना म्यूज़ियम हुआ करती थी, जिसे अब जो है इस आर्ट गैलरीज के अंदर बदल दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको अगर आप पहले यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर बंदूकें वगैरह जो है यहाँ पर ब्रिटिश टाइप की, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सामान यहाँ पर आपको रखा हुआ दिख जाता था। तो फ्रेंड्स वो चीज़ें यहाँ पर अब हटा दी गई हैं और दूसरे म्यूज़ियम्स के अंदर शिफ्ट कर दी गई हैं। ये देखिए फ़िलहाल यहाँ पर भी कुछ पुरानी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कोनायक नागा कैन बास्केट, ये रियल है। यहाँ पर कुछ ना आपको चेयर भी दिख बनी हुई दिख जाएंगी लकड़ी की। ये देखिए ये बनी हुई है, एक ये भी बनी हुई है। ये पूरी ठोस लकड़ी से बनाई हुई है, काफ़ी हैवी है। पूरा फेस बना हुआ है, ये दिख रहा है नाक आँख मुँह। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बना हुआ है, ये बाहर की साइड लगा हुआ है। ये उधर से हम आए थे, अंदर से एंट्री की हमने। आपको यहाँ पे डॉल एंड टॉयज़ भी देखने के लिए मिलेगी, जो यहाँ पर क्ले से बनी हुई है और काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पर ड्रेसेस करके इनको लगाया गया है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं सारी, और यहाँ पर आपको कुछ किले के जो है यहाँ पर एनिमल्स भी देखने मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको गणेशा और हिरन और ये जो बैल ये भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रैवल की तरफ। कुछ हटके यहाँ पर ये चीज़ बनाई गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर ये मिट्टी के जो यहाँ पर खिलौने एक दूसरे के अंदर जॉइंट करे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं काफ़ी जो है मतलब कंजेस्टेड करके यहाँ पर लगाया गया, और ये पूरा ऐसे यहाँ पर एक माउंटेन बनाया गया। ये देखिए कैसे बनाया हुआ है, और ऊपर यहाँ पर कुछ आपको कलरफुल फ्लैग भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये भी कुछ हटके यहाँ पर यूनिक है, और यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, बाप देव इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बारे में यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी और ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ये देखिए ये वुड की यहाँ पर बनाई गई है ये स्टेयर्स। हम आ गए सेकंड फ्लोर के ऊपर, और सेकंड फ्लोर आपको कुछ ही ऐसा दिखने वाला है। इसके भी दो रास्ते हैं, यहाँ से भी है और उस साइड से भी है। इस वाली बिल्डिंग के अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए तिरुपति दोषी ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको सारी आर्ट्स और आर्ट्स एग्जीबिशन यहाँ पर दिखा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी यूनिक आपको पेंटिंग देखने मिलेगी, और यहाँ पर आपको कई सारी जो आपको इंडिया के पुराने टेम्पल्स वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे। तो सारी आर्ट एग्जीबिशन मैंने आपको यहाँ पर घुमा दिया, जो कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। ये जो आर्ट एग्जीबिशन है बिनाले, तो फ्रेंड्स ये जो मैं बता दूं आपको 31 मार्च तक ही रहने वाला है। बाकी फ्रेंड्स हो सकता है ये 31 तारीख के बाद और आगे भी इसकी डेट बढ़ा दी जाए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जरूर आइए, अगर आप आर्ट लवर हैं तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर आकर जो है आश्चर्यचकित रह जाएंगे यहाँ की आर्ट्स को देख के। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे मैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।